एक साल से हम यहाँ फॉरेस्ट विभाग में से आ रहे हैं। आपने आप बैठ सकते हो, आपने ये इल्जाम लगाया सर आपने कि आप ये नहीं होगा, हर बारी आए उठे और एक ही चीज। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में कुफ्ताधार में सड़क बनाने का मुद्दा आज प्रमुखता से उठाया गया। इस दौरान बीजेपी पार्षद धरने पर बैठ गए। बैठक में बीजेपी पार्षद सरोज ठाकुर ने मेयर सुरेंद्र चौहान से तीखे सवाल किए, क्योंकि मुझे भी मेरी पब्लिक, मेरे वार्ड की पब्लिक जो है वो बेचारी त्रासदी में है इस टाइम पे। एक एम्बुलेंस रोड ना होने की, और शिमला का हेड लगता एरिया है वहाँ पर एम्बुलेंस रोड नहीं है। एक साल से तो नहीं निकल रही है ना सर, सर तो इसका मतलब अगले 15 साल ऐसे यही बोलते चले जाए। तो कर रहे हैं ना उसको करने के लिए, भाई अगर कोई राइट नहीं है किसी का नहीं, तो फिर आप बोले क्या शाम को अगर नंबर दो में अगर देखो अगर किसी के राइट नहीं है और अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे तो चाहे 5 साल बाद भी होंगे तो फिर उसी बनेगा, उसका तरीका है। नहीं बना होगा, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि अगर राइट नहीं है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपने तो मेरे लिए कोई नहीं होता। मुझे आपको मैं सिंसियर एक बात बता रहा हूँ, आपको मैं जब मैं चेयर पे बैठता हूँ चेयर पे कोई कमी नहीं, वो मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ कि आपके काम नहीं हो रहे हैं। उसको गलत दोबारा नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं कि कोई रोड अगर किसी ने पूछा नहीं और गलती से बन गया है तो बाकी सारे रोड भी ऐसे बनेंगे। अगर आपके रेट में कोई ऑप्शन आया है जिसको एनओसी जिसको चाहिए सर्टिफिकेट, मैं आपको मेरी बात सुन तो सुन रहा हूँ, हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन ये है कि उसको फॉरेस्ट साइट्स अगर नहीं है तो फॉरेस्ट साइट्स पैदा किए जाएंगे। इसीलिए एसडीएम को हमने लिखा है कि जो फॉरेस्ट साइट कमेटी है उसमें अब एक साल से हम यहाँ फॉरेस्ट विभाग में से आ रहे हैं। आप बैठ सकते हो, आपने ये इल्जाम लगाया सर आपने कि आप ये नहीं होगा, हर बारी आए उठे और एक ही चीज।